फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र चाय जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी होली और खेलते रहिए, मनाते रहिए, ठीक है। और अगर आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हो और एक बार फिर से बहुत बहुत होली की आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। कैसे हैं? ठीक हैं, खेलते रहिए, मस्त रहते रहिए, ठीक है। तो आज वैसे ही क्लास हम डालते ही हैं, सोचा कि जब ये चल ही रहा है तो हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखें, ठीक है। मगर आज टाइम मिला है तो उसको भी हम देख लें। तो बस अगर जो आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और बस ऐसे प्यार अपना बनाते रहिए और हम जो है आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट जो है बेस्ट जो होगा आपके लिए लाते रहिए, ठीक है। हमने यूपी एट अ ग्लांस पार्ट वन में हमने बात की थी, या इसको हिंदी में बात करें कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म दृष्टि, ठीक है। मतलब एक अवलोकन, मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म अवलोकन की बात की थी, ठीक है। उसी के आगे ही हम उसी पार्ट टू की बात करेंगे इसमें क्लास में। इसमें हम देखेंगे कि जो जो चीजें होंगी, जो मेन मेन होंगी, ठीक है। तो एक बार फिर से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। बात करते हैं जहां से हमारी रह गई थी। इसमें देखना कि प्रशासनिक इकाइयां बात कर रही है, ठीक है। और प्रशासनिक इकाइयां हैं जो 2020 की है, ठीक है। 2020 की जो है, 2020 में जो इलेक्शन हुआ, हम बात कर रहे थे। तो हम सबसे पहले ये प्रशासनिक इकाई जो है 2020 तक का डाटा है हमारे पास, और इसमें पूछ रहा है कि आर्थिक संभाग क्षेत्र, मतलब आर्थिक संभाग क्षेत्र जो है या इनकम की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो आर्थिक क्षेत्र में कभी पूछ ले तो चार भागों में बांटा है, ठीक है। और बात करें कभी पूछ ले कि इसके मंडल कितने हैं, तो 18 मंडल में जो है, ठीक, 18 मंडल है। और नगर निगम जो पूछ ले उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो ये भी 18 है, ठीक है। जिलों की संख्या आपको पता है कि 75 है, और नगर निगमों एवं नगर निगम एवं नगर समूह की संख्या कितनी है, तो 915। राजा तो बात कर रहे थे कि जिलों की संख्या कितनी है, तो 75 है, और नगर निगमों की संख्या कभी नगर निगम केवल पूछ ले कि कितनी है, तो 18 है, और मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। अब हम बात करें ग्राम पंचायतें, कभी ग्राम पंचायतें पूछ रहा है कितनी है, तो 58,176 है। और न्याय पंचायतों की बात करें तो 8,135, ठीक है। अब हम बात करें कि कभी पूछ ले कि तहसीलों की संख्या क्या है, तो तहसीलों की जो संख्या है तो वो है 391 जो है हमारे उत्तर प्रदेश में तहसीलें हैं, और विकास खंड कहे या ब्लॉक कहे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या 826 है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, तो नगर पंचायतों की कितनी है, तो 439 है, ठीक है। और नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, तो 98 है। और नगर निगमों की 18 है, और एक नया बना है जो अलीगढ़ है, ठीक है। अलीगढ़ जो बना है तो वो 18 हो गए हैं नगर निगम। और कुल ग्रामों की संख्या तो
1,06,776 जो हैं कितने हैं हमारे गांव हैं, कुल ग्राम आबाद ग्राम की बात करता है तो 97,841 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सहकारी। बात करते हैं सहकारी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में। ठीक है, तो कृषि तो क्या है कि प्राथमिक कृषि ऋण सरकारी समितियों की बात करें तो 4,007,479 हैं, और सीधे याद कर सकते हैं 7,479। ठीक है, और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है तो 50 है, और उत्तर प्रदेश में कृषि एवं ग्राम विकास बैंकों की संख्या कितनी है तो 923 है। अब बात करते हैं चिकित्सा की। बात करते हैं चिकित्सा की बात करें तो कभी पूछ ले कि एलोपैथिक चिकित्सा और एवं औषधालय कितने हैं तो 5,113 हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय और औषधि केंद्र कितने हैं तो 2,360 हैं। होम्योपैथिक चिकित्सालय और औषधि की बात करें तो 1,576 है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत की। विद्युत की अगर जो कभी पूछ ले तो बात विद्युत की बात करें तो विद्युत में है जो उत्पादन में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि विद्युत का कितना चल रहा है। ठीक है, जो जो डाटा समझाने वाला होगा तो हम उसे देख लेंगे। ठीक है, विद्युत के बाद में है, कह रहा है कि कुल सड़क राजमार्ग की इकाई कितनी है तो मतलब राजमार्ग की बात कर रहा है कितनी है तो 112,000 किलोमीटर जो है राजमार्ग है। ठीक है, मतलब सड़क की लंबाई है। डाकघर कितने हैं तो 17,670 जो है डाकघर हैं, और दूरदर्शन केंद्र कितने हैं तो 3 हैं, और आकाशवाणी केंद्र कितने हैं तो 13 हैं। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे की कभी पूछ ले कि कुल लंबाई कितनी है तो नेशनल हाईवे की जो कुल लंबाई है तो ये है 11,736 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे है। ठीक है, और बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है तो पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर एक पे अगर जो कभी पूछ ले कि रोड मतलब सड़क मार्ग में कौन है तो दूसरा नंबर है। अगर जो ओवरऑल भारत में कभी पूछ ले कि कितना नंबर है तो पहला अगर जो कभी पूछे तो महाराष्ट्र है, और दूसरा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो नेशनल हाईवे 2 है। अब नेशनल हाईवे 2 की हम बात करें तो एक आपने सुना होगा कि जो एक शासक थे शेरशाह सूरी थे, तो इन्होंने क्या किया था कि पेशावर लाहौर से लेके और कोलकाता तक एक रोड बनवाई थी। ठीक है, उसे कहा जाता था शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। तो अब क्या हुआ कि फिर एक जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम शायद ग्रांट जीटी रोड उसी के नाम से बना, उसने क्या किया उसको पक्की करवा दी थी, कच्ची थी। तो फिर उसके बाद जो क्या हुआ कि जब पाकिस्तान बढ़ गया तो पाकिस्तान से जो जितना रह गया तो रह गया। अब शुरुआत कहाँ से होती है तो नेशनल हाईवे 1 की बात करें तो अमृतसर से शुरू होती है दिल्ली, और दिल्ली के बाद में जो नेशनल हाईवे 2 बनता है, फिर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश से चला जाता है कहाँ जाता है कोलकाता, तो नेशनल हाईवे 2 है।
और उसी का नाम जो 19 कर दिया है, और पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दो बता रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो 72 में हुई है। उत्तर प्रदेश सड़क लिखा रहता है गाड़ियों में, आपने देखा होगा यूपी है और यूपी, और फिर ये लिखा रहता है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की स्थापना कब हुई? तो 1972 में हुई। और इसका हेड क्वार्टर अगर जो कभी पूछ ले तो कहाँ है? हजरतगंज में, लखनऊ में हजरतगंज के पास में है, और यहीं पे उसका है विश्व अनुसंधान केंद्र पास ही में। विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो यहीं पे पास में, दोनों के जो है हेड क्वार्टर जो है लखनऊ में है। अब कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? अब यमुना एक्सप्रेस वे सबसे जाता कहाँ है? तो यमुना एक्सप्रेस वे है जो आगरा से नोएडा जाता है, लिखा भी है कि ग्रेटर नोएडा या आगरा से नोएडा। अगर जो लखनऊ से आपको दिल्ली जाना है तो आपको सबसे पहले एक्सप्रेस वे, तो लखनऊ मतलब जिस समय पर अखिलेश जी ने इसका निर्माण करवाया था तो भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे था। तो उसकी लंबाई कितनी दी थी? उसकी लंबाई थी 316 किलोमीटर की थी, आगरा एक्सप्रेस वे जिसका जो है 316 किलोमीटर की लंबाई थी। अभी नीचे होगा तो बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस वे, तो आगरा से आप यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर का है, और ये जो बनवाया था तो इसका निर्माण जो करवाया था आगरा से ग्रेटर नोएडा तक, तो ये मायावती जी के शासनकाल में हुआ था। और फिर लिखा है कि यमुना एक्सप्रेस भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो 2004 में हुई है। और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई तो कब चलाई गई? तो 1859 में चलाई गई। अब 1859 में चलाई गई तो कभी पूछ ले कहां से कहां चलाई गई? तो कानपुर से इलाहाबाद के लिए चलाई पहली गाड़ी, लिखा भी है कानपुर से इलाहाबाद के लिए पहली चली। और सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1911 में हुई, और इलाहाबाद से नैनी के लिए भेजा गया, ठीक है। और कभी पूछ ले कि डाक की स्थापना करने वाला कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। और कभी पूछ ले कि रेलगाड़ी के जन्मदाता कौन है? तब भी डलहौजी, क्योंकि डलहौजी के शासनकाल में पहली बार ट्रेन चली थी। अभी भाषा लिखा है कि मतलब उत्तर प्रदेश में कौन, कह रहा है कि भाषा के अनुसार में जनसंख्या का प्रतिशत जो 2011 की जनगणना के अनुसार है तो हिंदी बोलने वाले 94% हैं, और बात करें उर्दू बोलने वाले तो 5.42% हैं, और पंजाबी बोलने वाले जो हैं 0.25% हैं, और बंगाली बोलने वाले 12% हैं जो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, ठीक है। और अभी तो बात सुनने में आया था कि पंजाबी को तीसरी राज्य की भाषा का दर्जा के लिए बात चल रही थी, लेकिन अभी पे दो ही राज्य भाषाएं हैं, पहली जो है हिंदी है और दूसरी जो है 1989 में, हाँ 1989 में गवर्नमेंट जो थी सपा गवर्नमेंट थी मुलायम सिंह जी के शासनकाल में जो उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब जो आगे की बात करें तो कह रहा है जनप्रतिनिधि की बात करें तो वो लोग जो अपने उत्तर प्रदेश से शासन व्यवस्था में हैं या शासन व्यवस्था में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो कभी पूछ ले कि यहाँ से सांसद कितने जाते हैं? सांसद दो प्रकार के होते हैं, एक जो राज्यसभा में बैठते और एक जो होते हैं लोकसभा में बैठते हैं।
राजसभा जो में बैठते हैं उनका शासन काल है, राजसभा वालों का है 6 साल, और राज्यसभा के सदस्य बनने की उम्र जो है 30 साल है। अब एक है लोकसभा, जहां से लोकसभा की हम बात करें तो जैसे कि मोदी जी हैं, अगर आप इलेक्शन जीते हैं तो आप किसी भी सदस्य, मतलब कि कहीं भी जगह के सदस्य नहीं है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं की सदस्यता जो है ग्रहण करनी पड़ती है। तो लोकसभा के नेता होते हैं जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राज्यसभा कंटिन्यू चलती रहती है, कभी विघटित नहीं होती है, और लोकसभा जो हर 5 साल में विघटित हो जाती है। तो बात करें लोकसभा के सदस्य बनने की एज क्या है, तो 25 साल है। लोकसभा के सदस्य बनने की 25 साल और राज्यसभा के बनने की 30 साल है। तो अब बात करें लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य हैं, और लोकसभा के सदस्यों की सीटें कितनी हैं, तो 80 हैं, और राज्यसभा की 31 हैं। और ये भी ज्यादा है, लोकसभा की भी ज्यादा है, राज्यसभा की ज्यादा है, क्योंकि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो इसीलिए तो लोकसभा या राज्यसभा की सीटें भी ज्यादा हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में विधानसभा लिखा है, तो विधानसभा के सदस्य बनने की उम्र क्या है, तो 25 साल है। ऐसी उत्तर प्रदेश का मतलब ये तो होगी केंद्र के लिए लोकसभा राज्यसभा, और ये होगी राज्य के लिए। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र है, ठीक है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु कितने भागों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश जलवायु को तो 9 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं थोड़ी कृषि की, तो उत्तर कृषि जलवायु मतलब ऐसे कृषि जलवायु के पूंछले क्षेत्र में कितने में बांटा गया है, तो 9 भागों में बांटा गया है। और किसान बही की शुरुआत कब हुई, तो 1992 में हुई, फिर इसके हाँ 1992 में। अब बात करते हैं चकबंदी परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1954 में शुरुआत हुई। और सबसे पुरानी नहर की बात कभी पूछ ले तो कौन है, पूर्वी यमुना नहर है। पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है, 1830 में इसकी जो है खुदाई हुई थी। और सबसे बड़ी नहर की बात करें तो शारदा नहर है। और किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई, तो 18 जून 2001 को हुई है। ई डिस्ट्रीब्यूटर परियोजना की 2009 में, किसान रथ परियोजना तो 10 और 11 में हुई है। अब इसके बाद में पूछा गया है कि ऊर्जा शहर योजना 2008 में, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में 2018-19 का डाटा है कि उत्तर प्रदेश में जितने लोग हैं उनको जो है पर व्यक्ति को 371 ग्राम जो है दूध मिल सकता है, इतना दूध जो उत्पादन भारत उत्तर प्रदेश करता है। विश्व में दूध में नंबर एक पे कौन सा देश है, तो भारत है। और भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन से राज्य में पैदा होता उत्पादित होता है, तो उत्तर प्रदेश है, नंबर एक पर है। अब बात करते हैं राज्य दूध परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1976 में हुई। और गोकुल पुरस्कार कहाँ से, मतलब गोकुल पुरस्कार की योजना या गोकुल पुरस्कार कहाँ मिलता है, तो दूध के उत्पादन में। कृषि निर्यात योजना में बात करें तो कभी पूछ ले कि आगरा जोन से क्या भेजा जाता है, तो आगरा जोन से जो भेजा जाता है आलू भेजा जाता है। और लखनऊ जो है आम के लिए फेमस है। और कभी पूछ ले कि मैंगो रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो मलियाबाद में है जो लखनऊ में है। और इसके बाद में बात करें कि सहारनपुर ये भी जो है आम के लिए है फेमस। ये जो लिखा है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल इतना है और सिंचित क्षेत्रफल इतना है, 1,65 जो है बोया गया, 1,45 जो है सिंचित क्षेत्र है जहां से सिंचाई के लिए मिलते हैं। ये भी सिंचाई से डाटा है। फिर इसके बाद में जो है हाँ पूछ ले कि नलकूपों से ट्यूबवेल या नलकूपों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो नंबर एक स्थान है। नहर से होता है, कुआं से होता है,
तालाबों से अगर जो कभी पूछ ले कि सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से राज्य में होती है, तो उसका आंसर तमिलनाडु होगा। फिर ये वन का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि कितने, हाँ ये है, कभी पूछ ले कि कुल वन्य जीव संरक्षण सॉरी फ्रेंड, कुल वन जीव संरक्षण कितने हैं, तो 28 हैं। वन जीव विहार कितने हैं, तो 11 हैं। और पक्षी विहार वो जहां पे पक्षियों के रहने के लिए जो है वह जो है नेचुरल मतलब प्राकृतिक आवास हो, ठीक है। जैसे कि नवाबगंज पक्षी विहार है, सॉरी उसका नाम बदल गया है, चंद्रशेखर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कभी पूछ ले कहाँ है, तो उन्नाव में है। और बकीरा पक्षी विहार है, संडीला पक्षी विहार है जो हरदोई में है। बात करते हैं वन्य जीव विहार की कहाँ पे है, तो जैसे कि आपको दुधवा नेशनल पार्क है, तो टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो दुधवा के यहाँ पे दो हैं टाइगर रिजर्व, एक दुधवा है और लाइन सफारी आप जानते ही हैं। सर्वाधिक सबसे कम वन प्रतिशत वाले दो जिले, तो सबसे ज्यादा अगर जो जंगल कौन से जिले में पाया जाएगा, तो सोनभद्र है, और सबसे कम भदोही में पाया जाएगा। सबसे पुराना वन जीव विहार अभयारण्य कौन सा है, चंदौली में है, और चंद्रप्रभा इसका जो है नाम है वन जीव। और सबसे बड़ा पूछा गया है, सबसे बड़ा वन जीव विहार कौन सा है, हस्तिनापुर है, और हस्तिनापुर कहाँ होगा, तो आगरा में होगा। और सबसे छोटा वन जीव विहार कौन सा, महावीर स्वामी ललितपुर में है। और सबसे बड़ा पक्षी वन जीव विहार कौन सा है पक्षियों के लिए, तो लाख बहोसी है जो कन्नौज में है। पूछा है सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो शेखा पक्षी विहार है जो अलीगढ़ में। प्रथम पहला ग्राम वन कौन सा है, तो बेलहस्ती है, ग्राम सोनभद्र में है। और बात करते हैं खनिज के लिए, तो खनिज के लिए उत्तर प्रदेश बहुत कमजोर है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जो है खनिज यहाँ पे बहुत कम होता है। तब भी बात करें तो भूतत्व एवं खनिज निर्देशालय की स्थापना कब हुई, तो 1955 में। और उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास की स्थापना कब हुई, तो 76 में हुई है। और प्रथम खनिज नीति कब आई है, तो 1998 में आई है। लिखा है डायस्पोर भंडार के उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान है। यूरेनियम की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यूरेनियम के लिए ललितपुर है। और बात करें हीरा के लिए, तो बांदा है। सबसे बड़ा उद्योग जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जो है हथकरघा का है। बात करते हैं सबसे बड़ा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में हथकरघा का है। और हथकरघा वो होते हैं जैसे कि कढ़ाई का, ठीक है, कढ़ाई की डिजाइन करना, कालीन बनाना, ये सब जो है हथकरघा का है। अब सर्वाधिक रोजगार भी यही देता है। संचलित विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने, संचलित आर्थिक विशाल क्षेत्र कितने हैं, तो 13 हैं। प्रथम चीनी मिल कहाँ पे स्थापित हुई, तो देवरिया में हुई, प्रतापपुर देवरिया में। और एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल पूछ ले, तो खतौली है, ये भी कहाँ पे है, देवरिया में, खतौली भी। और सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली में एशिया की, और सबसे पहली जो थी देवरिया में, तो 1903 में स्थापना हुई। लिखा चीनी के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है चीनी के उत्पादन में। बात करते हैं उत्तर भारत का, कभी पूछ ले कि भारत का मानचेस्टर क्या है, तो भारत का जो मानचेस्टर है उसका नाम जो है, भारत का मानचित्र कभी पूछ ले, तो अहमदाबाद।
भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद जो गुजरात में है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कभी पूछ ले तो कोयम्बटूर जहां पे तमिलनाडु में है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो कानपुर है। मैनचेस्टर की बात करें तो ये इंग्लैंड का शहर है, और यहाँ पे क्या हुआ है तो बात करें कि ये इंग्लैंड का शहर है, यहाँ पे सूती वस्त्रों का काम होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे सूती वस्त्रों का काम होता है। बात करते हैं भारतीय स्टील रेलिंग रोलिंग मिल की, मुजफ्फरनगर में शुरुआत हुई है। और रेल पहिया कारखाना कहाँ है तो रायबरेली में है, और रायबरेली में जो है फुर्सतगंज जो है एयरपोर्ट का नाम है। टाटा मोटर्स प्लांट की स्थापना कहाँ हुई तो लखनऊ में, और स्कूटर इंडिया लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई तो लखनऊ में। और बात करते हैं इंडियन पॉली फाइबर की स्थापना कहाँ पे हुई है तो बाराबंकी में हुई है, बाराबंकी में। बात करते हैं बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म की स्थापना कहाँ है तो नैनी में है, और नैनी में बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जेल भी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जेल कहाँ है तो नैनी है। बात करते हैं जी ई सी में जो है क्या है तो उत्तर प्रदेश में है। और बात करें कि यहाँ का जो टाइम जो है, हमारा टाइम भारत का कहाँ से लिया गया तो यहीं से उत्तर प्रदेश के नैनी से लिया गया। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड की स्थापना यहीं पे हुई है नैनी में, और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कह रहा है तो ये भी जो कहाँ होगा इलाहाबाद प्रयागराज में। आयुष उपकार उपकार कारखाना कहाँ पे है तो हजरतपुर कानपुर में है। और अफीम के लिए बात करें, कभी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम कहाँ पैदा होती है तो सबसे ज्यादा जो अफीम पैदा होती है तो बाराबंकी में, तो इसकी फैक्ट्री कभी पूछ ले तो कहाँ है, गाजीपुर में है, गंगा नदी के किनारे है। और बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की मकबरा भी कहाँ पे है तो यहीं पर है। यूरेनियम कारखाना की बात कभी पूछ ले, इफको आती है जो बहुत सारे जो किसान हैं ये अपनी जो है इसी से मतलब फसल की पैदावार करते हैं, तो अंबाला में है, आंवला में है, बरेली में है, और फूलपुर प्रयागराज में भी है, दोनों की है। बात करते हैं फूलपुर की, कवि जवाहरलाल नेहरू जी का निर्वाचन क्षेत्र कभी पूछ ले कौन सा है तो फूलपुर जो है प्रयागराज में है। कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ पे तो मोदी नगर बरेली में है। बरेली से आपको दो मिले, इपको की फैक्ट्री कहाँ पे है तो बरेली में। सब उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला बरेली में। दिया सलाई का काम कहाँ होता तो बरेली में। जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक कहाँ है तो बरेली में। जानवर अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो बरेली में। बात करते हैं और ये लिखा भी है रबर के लिए भी क्या है तो बरेली है। और खान बहादुर खान ने जो 1857 की जो शुरुआत क्रांति का जो मोर्चा संभाला था तो बरेली से संभाला था। अब इतना हो गया तो कभी पूछ ले कि बरेली कौन सी नदी के किनारे है तो रामगंगा नदी के किनारे जो है बरेली है। इंडियन लिखा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है, और भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कहाँ पे है तो झांसी में है, वाराणसी व जगदीशपुर अमेठी में है। बात करते हैं लिखा है औद्योगिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान में बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो है उद्योग सहकारी संघ, ठीक है, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना कब हुई तो 1992 में हुई, और कहाँ हुई तो वो कानपुर में हुई। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कभी पूछ ले तो कहाँ हुई तो कानपुर में 1954 में हुई है। लिखा प्रदेशीय औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम की स्थापना कहाँ हुई तो लखनऊ में हुई है। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई तो 1998 में हुई है, और ये कानपुर में हुई है। उत्तर प्रदेश निर्मित निर्यात
लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे हुई है? निगम लिमिटेड की तो लखनऊ में इसकी स्थापना हुई है। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में, हाँ कभी पूछ ले कि भारत में जो है लेदर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, या हाँ लेदर रिसर्च सेंटर कहाँ, भारत में तो चेन्नई होगा, और वैसे उत्तर प्रदेश में कभी पूछ ले कि कहाँ पे है चर्म विकास उद्यान, तो कहाँ है? आगरा, आगरा में है और कानपुर में भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड ये लखनऊ में है। औद्योगिक विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्रशिक्षण केंद्र जो है कानपुर में, मतलब जो है व्यापारियों के लिए पढ़ाई कहाँ होती है? तो कानपुर में होती है। लिखा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? तो नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में है। लिखा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्रशिक्षण, गीडा लिखा है, तो विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? तो गोरखपुर में। सतहारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा लिखा, गीडा कभी पूछ ले तो गोरखपुर, और सीडा कभी पूछ ले तो जौनपुर है। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। लिखा है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा, अब यहां से आप देख सकते हैं गीडा गोरखपुर, सीडा जौनपुर, लीडा लिखा लखनऊ, और बीडा लिखा है तो भदोही में है। ठीक है, इन सब की जो कभी पूछ सकता है एक एक नंबर में मिलाने के लिए कभी पूछ सकता है, तो आप उसको मिला सकते हैं। पर्यटन के मैं पूछ रहा है, तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई है, और पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में। और लिखा है कि पूछ ले कभी पर्यटन निगम की बात करते हैं, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 56 में। अब कभी पूछ ले पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 72 में। और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 74 में। पर्यटकों को उद्योग का दर्जा, प्रथम पर्यटन नीति जो है 1998 में, ई पर्यटन नीति 2018 में शुरुआत हुई, और हेरिटेज आर्कर जो है सबसे ज्यादा जो है आगरा है, लखनऊ है और वाराणसी है। कभी पूछ ले कि ऐतिहासिक सबसे ज्यादा महत्व कौन से जिला का है? तो आगरा का है और लखनऊ का है और वाराणसी का है। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा हेरिटेज है। फिर लिखा है पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना, पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत 1994 में हुई, और मैत्री परियोजना बौद्ध मैत्री लिखा है। तो कभी पूछ ले कि बौद्ध जो दोबारा आएंगे उनके पूर्व जन्म का नाम क्या होगा, या जो दूसरा जो जन्म लेंगे तो क्या होगा? तो उनको मैत्री कहेंगे। ठीक है, भविष्य का बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा कहे या भविष्य का बुद्धा कहे, तो उसका नाम क्या होगा? मैत्री होगा आंसर। इपको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्मारक शामिल हैं? तो ताजमहल है, ताजमहल जो 1883 में हुआ था, 1883 में इंडिया ने विश्व कप भी जीता था। और लिखा है आगरा का किला भी है जो 83 में हुआ है, ताजमहल और आगरा का किला जो है, आगरा की किला की जो है आपको उसमें मिल सकती है, एक क्लास डली हुई है देख सकते हैं आप। फतेहपुर सीकरी जो है 46 में हुआ है, यूनेस्को भी की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल
धरोहर जो है रामलीला को रखा गया है 2008 में, और लिखा है कुंभ मेला का जो है आयोजन हुआ था 2017 में उसको। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध विकास की जो स्थापना हुई है तो चिनट में हुई है। चिनट कहाँ है? लखनऊ में है। और चिनट की बात करें, कभी पूछ ले कि लाइट की पढ़ाई कहाँ होती है, ठीक है, विद्युत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो लखनऊ में, चिनट ही में। पूछ ले अब सांस्कृतिक तत्व है, लिखा राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना कहाँ हुई है, तो लखनऊ में। राज्य कला एकेडमी की जो स्थापना कहाँ है तो लखनऊ में हुई है, ललित कला एकेडमी। उत्तर प्रदेश संगीत भातखंडे, कभी पूछ ले कि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में। उसका नाम लिखा भी है, पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य लिखा भारती है, और भातखंडे भारतेंदु नाट्य एकेडमी। कथक संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। जनजाति एवं लोकतंत्र कला संस्कृति संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, और 1911 में ही क्या है, दिल्ली को जो है राजधानी बनाने की बात हुई थी। भारतीय कला भवन वाराणसी में 1920 में इसकी स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में, और एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है कथक है, भातखंडे संगीत संस्थान, तो 1966 में। नोट, पूर्व में नाम जो था मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी, और वर्ष 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। और कभी पूछ ले तो उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पे है, तो प्रयागराज में। सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। कुशासण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का, कुशासण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे है, तो मथुरा में। हाँ, मथुरा की थोड़ी सी बात करें तो मिठाई में पेड़ा के लिए फेमस, और वृंदावन जैसा शहर आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। पागल बाबा मंदिर पूछ ले तो मथुरा में, बांके बिहारी मंदिर पूछ ले तो मथुरा में, और 18 खंड का जो मंदिर कभी पूछता है तो वो भी कहाँ है, मथुरा में। और मथुरा में बात करें तो भूमि की तेल शोधक शाला है, जो सल्फर गैस सल्फर डाइऑक्साइड उड़ती है, और जो ताजमहल को क्या है, हरा हरा कर रही है। हाँ, बकरी अनुसंधान केंद्र का भी पूछ ले तो मथुरा में, गाय अनुसंधान केंद्र का भी पूछ ले तो मथुरा में। ठीक, इतनी चीजें मथुरा की हो गई। लेकिन बटेश्वर मेला कहाँ होता है, तो मथुरा में। एकमात्र संग्रहालय है, मतलब बौद्ध और गुप्त का संग्रहालय कहाँ पे है, तो मथुरा में। बटेश्वर मेला, सलहुल उत्सव कहाँ है, तो आगरा में होता है, और बटेश्वर मेला कहाँ है, आगरा में होता है। अब बात करते हैं सुलहुल जो बटेश्वर जो मेला है, ये जानवरों का है, और जानवरों का सबसे बड़ा मेला कभी पूछ ले कहाँ होता है, तो बिहार में है एक जगह, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पे होता है सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला बिहार में, जगह का नाम है, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। सलहुल वो है हिंदू मुस्लिम एकता का मेला है, जो अकबर ने शुरुआत करवाई थी आगरा में है, और चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में होता है। ब्रज की बात करें तो यही मथुरा वृंदावन आगरा वाला हो जाएगा। लिखा है कि तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था, अयोध्या। और सबसे कभी पूछ ले सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बीड़ा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बीड़ा है। और तबला और सितार की शुरुआत किसने की थी, तो अमीर खुसरो ने की थी। और अमीर खुसरो जो है किनके शिष्य थे, अमीर खुसरो किनके थे, तो निजामुद्दीन औलिया के थे।
शेख निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे अमीर खुसरो थे, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में सात सुल्तानों का शासन देखा और इन्होंने अमीर खुसरो ने जो है 6 सुल्तानों की सेवा की। और दिल्ली दूरे अस्ते, दिल्ली अभी दूर है ये जो नारा दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो पिता थे जो आ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक के लिए जो है किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने। और एक जो कहते हैं कि लकड़ी का महल बनवा के उनको खत्म कर दिया, तो जैसा भी हो ठीक है। तो पता चला कि अमीर खुसरो का जो अमीर खुसरो का जन्म कभी पूछ ले तो पुरानी क्लासें धरी हुई हैं, आप उनको रिवाइज करके देख सकते हैं। मैं बता दूं कहाँ पे हुआ था, तो कासगंज से अलग हुआ था जो उसका नाम एटा था, कासगंज से अलग हुआ है तो एटा है। बात करते हैं अयोध्या शोध संस्थान कहाँ होगा, तो अयोध्या में 86 में हुआ है। और जैन कभी पूछ ले, बौद्ध संस्थान और जैन संस्थान कहाँ पे हैं, और इनकी भाषा के लिए इनके धर्म के लिए कहाँ पे शोध होता है, तो लखनऊ में होती है, लिखा भी है लखनऊ में। लिखा है शिक्षा है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान केंद्र, राज्य शैक्षिक अनुसंधान केंद्र परिषद की स्थापना 1981 में हुई है, और बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई है, और कृषि अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना कब हुई है तो 1989 में हुई है, कृषि अनुसंधान केंद्र। लिखा है कि अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे है, तो कानपुर में है। और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना कहाँ पे है, तो दो जगह, रायपुर है, राय बरेली है और गोरखपुर है। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो सैफई में है। सैफई कहाँ पे है, तो अखिलेश जी का घर है, इटावा सैफई। भाषा विभाग की स्थापना कहाँ है, तो भाषा विभाग जो है लखनऊ में है। हिंदी भाषा विभाग कहाँ पे है, हिंदी शोध संस्थान कभी पूछ ले तो लखनऊ में, और कहाँ पे, हजरतगंज के पास में। 1998 में हुई है भाषा विभाग की स्थापना। भारतीय उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है 1976 में, हिंदी संस्थान 1976 में, और उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 89 में, हम इसकी बात कर ही चुके। और डिम्ड जो है विश्वविद्यालय, उन जो इनकी संख्या क्या है, इतनी है तो 9 है। राज्य विश्वविद्यालय 31 हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 6 हैं। और कुल विश्वविद्यालय निजी के अतिरिक्त कितने हैं, तो 46 हैं। अब ये जो फ्रेंड्स ये जो दिया हुआ है, तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम पूछ रहा है, ठीक है। जो जिनकी हमने बात की थी, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 6 थे। अब उसमें से देखें तो एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ठीक है, अब इसका नाम बदल गया है, महाराजा महेंद्र प्रताप हो गया है, राजा महाराजा महेंद्र प्रताप किसका हो गया है, तो इन्हीं अलीगढ़ का नाम बदल गया है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद ने करवाई थी, और मुस्लिम इनकी बनारस विश्वविद्यालय की अलीगढ़ की 1920 में हुई है। सर सैयद अहमद खान है,
और इनके लिए हैं मदन मोहन मालवीय हैं, 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी, बनारस विश्वविद्यालय BHU बोलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी पूछ ले तो सबसे पुराना है, 1886 में इसकी स्थापना हुई थी, 1887 है फ्रेंड्स, 1887 में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो रायबरेली में है, और बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो झांसी में। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 30 है, और पॉलिटेक्निक जो है कितने हैं, तो 166 हैं राज्य में। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, कितने हैं, तो 305 हैं, और बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं, तो 12 हैं, मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तो 22 हैं, और इसमें से नर्सिंग, फार्मेसी और आयुर्वेदिक, होम्यो और यूनानी कॉलेज सम्मिलित नहीं है। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि कौन सी चीज की खोज, मतलब शोध कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अब इसमें पूछा गया है कि विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि विश्व अनुसंधान केंद्र जो है परिवर्तन चौक से आप जाएंगे हजरतगंज की तरफ तो आपको मिलेगा, और यहीं पे जो है जो DR उसकी CDRS जो पहले था वो वहीं पे था, और इसकी जो है छतरी मंजिल है, छतर मंजिल जो है 1991 में इसकी जो है यहीं पे स्थापना हुई थी CDRS की, CDRI, और अब जो है ये प्रेजेंट में जो जानकीपुरम में आ गया है, उससे बड़ा भी बन गया CDRI, ठीक है। तो तीनों चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी अगर जो आप देखना चाहें। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, वन विभाग जो कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र मैंने बताया कि ये लखनऊ में है, तभी इंसानों के लिए पूछ ले या जानवरों के लिए भी पूछ ले तो कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। और पैरासिटामोल जो है हाँ पैरासिटामोल जो है किसको दी है, तो लखनऊ में ही CDRI से बन के तैयार हुई थी पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल बोला जाता है, तो और बात करते हैं मतलब गन्ना अनुसंधान केंद्र का भी पूछ ले तो कहाँ पे है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे है, तो शाहजहांपुर में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शाहजहांपुर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो कोयम्बटूर में, ठीक है। अब बात करते हैं, लिखा केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ बता ही चुका, कभी पूछ ले शर्करा अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो कानपुर में है, और इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो कानपुर लखनऊ में है इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियो बॉटनी कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, और देखें तो लखनऊ विश्वविद्यालय के ये पास में ही है, और वहीं पर एक जगह है उर्दू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। बात करें कि पशु, हाँ इसी की बात कर रहे थे कि वेटनरी की या पशु चिकित्सा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो वेटनरी की जो इज्जत नगर, ये बरेली में फ्रेंड्स। और लिखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे, तो वाराणसी में है। और भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो झांसी में है। और चारा अनुसंधान केंद्र का भी पूछ ले कहाँ पे है, तो भी झांसी में। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो बरेली में। अब आपको एक मिला जानवर और जो है
जानवर और जो पक्षियों के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो बरेली में है। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं आपको बरेली में मिलेंगी। अब बात करते हैं कि कभी पूछ ले कि पल्स रिसर्च सेंटर कहाँ पे है या दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, कानपुर में है। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो वहाँ पे मेट्रो के पास में है और वहाँ पे रावतपुर पड़ता है, रावतपुर से पहले आपको रावतपुर के पास ही में है। ठीक, कल्याणपुर से, कल्याणपुर रावतपुर के पास में है ये। बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ और वेजिटेबल रिसर्च सेंटर का, भी पूछ ले आपसे कि कहाँ पर है तो आपको कहाँ, साग सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो वाराणसी में है। और जो है बात करते हैं मनीला की, तो चावल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, नेशनल का सॉरी इंटरनेशनल चावल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो मनीला में है। और मनीला में क्या, बैडमिंटन के लिए भी है, चिड़िया बॉल के लिए। ठीक है, तो उसकी जो शाखा कहाँ पे है, वाराणसी में है। लिखा है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तो प्रयागराज में है। और केंद्रीय औषधि उष्ण बागानी संस्थान कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। और केंद्रीय आम लिखा भी है, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। हाँ, बात करते हैं कि कभी, हाँ आ गया यहाँ के क्वेश्चन कि केंद्रीय केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पुष्प केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पुष्प अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये जो लखनऊ में, CICIMAP, या फिर लिखा केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है मेडिसिन मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। और अगर जो कभी आप लखनऊ में मेरे दोस्त देख रहे हैं तो ये कोकरेल के पास में है। ठीक है, आप वहाँ जाएंगे तो आप जाके देख सकते हैं घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में। और कुकरेल जाएंगे तो दोनों चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। अब लिखा है न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, जो जज बनते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है। लिखा है न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र, जो जज बनते हैं और फिर न्याय देते हैं तो उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। और अगर जो आप इसको देखना चाहते हैं कहाँ पे है, तो गोमती नगर में, पत्रकारपुरम के पास में है, गोमती नगर में। अब लिखा है अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन कहाँ पे है, रिसर्च ज्वाइंटिंग एंड लिखा है स्पेंडर ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल का कहाँ, तो लखनऊ में है। ठीक है, अब कह रहा है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ द फिश जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। और इसकी मैं बात कर ही चुका हूँ, भारतीय चारा गाय कहे या चाहे चारा अनुसंधान केंद्र कहे, तो कहाँ होगा, झांसी में होगा। लिखा इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो हापुड़ में है। वो हापुड़ आ गया है, तो ये भैया कभी पूछ ले तो गाजियाबाद का पार्ट था। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला तो हापुड़ है। प्रीवियस क्लास में देखिए आप तो उसमें है। केंद्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो कहाँ, लखनऊ में है।
और बकरी अनुसंधान केंद्र की हम बात कर ही चुके, जो कहाँ है, मथुरा में, CIRG, CIRG कहाँ पे है, लिखा है सेंट्रल सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च गॉट, ठीक है, और गॉट के लिए कहाँ, गॉट के लिए कहाँ पे है, तो आपको मथुरा जाना पड़ेगा। अब लिखा है कोष्ठीय एवं निवारण अवोर्ध शास्त्र संस्थान कहाँ पे, तो नोएडा में, और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो प्रयागराज में है, और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का कभी नाम पूछ ले तो गोविंद बल्लभ पंत थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का भी पूछ ले तो गोविंद बल्लभ पंत थे, और पहली महिला मुख्यमंत्री का भी पूछ ले तो सुचेता कृपलानी है, और जो कब बनी थी, 1966 में संविधान बनी थी, पहली पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री, या उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो दोनों का आंसर है जो सुचेता कृपलानी है। और बात करते हैं पहले भारत की पहली महिला पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो इनका नाम जो है सरोजिनी नायडू है, सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू दोनों भारत में ही बनी। और पहले उत्तर प्रदेश के पुरुष राज्यपाल कौन थे, तो HP मोदी थे, ठीक है, आप इतनी जो है डिटेल ध्यान रखिए फ्रेंड्स। लेकिन राष्ट्रीय कालीन भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ, IICT कहाँ, तो भदोही में, कालीनों के लिए फेमस है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसायिक विकास संस्थान कहाँ पे है, तो नोएडा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोलॉजिकल्स NIB कहाँ पे है, तो नोएडा में है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, लिखा बीवी गिरी नेशनल, हाँ हमारे राष्ट्रपति थे बीवी गिरी, ठीक है। लिखा है बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो नोएडा में, पार्क एवं सिटी पूछ रहा है, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो इसमें पार्क और सिटी पूछ रहा है। तो लिखा डिफेंस पार्क, डिफेंस पार्क जो है एयरफोर्स के लिए जो शुरुआत करनी, डिफेंस कॉरिडोर कभी पूछ ले कहाँ पे है, तो कानपुर झांसी और लखनऊ में है। लिखा है एरोस्पेस पार्क कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा में है, अमेठी में है, और गौतम बुद्ध नगर में है। रक्षा और औद्योगिक गलियारा कहाँ पे है, तो अलीगढ़ झांसी और आगरा में है। फिर और चित्रकूट है, चित्रकूट कानपुर और लखनऊ में। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। नॉलेज पार्क कहाँ पे है, तो ग्रेटर नोएडा में। लिखा ट्रोनिक ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में। और निकिड़ा सिटी कहाँ पे है, तो लखनऊ और उन्नाव के बीच में है। और गंगा ट्रांसपोर्ट सिटी कहाँ पे है, तो उन्नाव में। और सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ पे है, तो आपको जो है प्रयागराज। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी कहाँ पे, तो गाजियाबाद में। प्लास्टिक सिटी कहाँ पे है, तो दिबियापुर औरैया में है। लेदर सिटी का भी पूछ ले तो आपको उन्नाव में मिलेगा, सॉरी लेदर पार्क पूछ ले तो आगरा में है। और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा आगरा में। टेक्निकल एवं होजरी पार्क कहाँ पे, तो कानपुर में। साइंस सिटी कहाँ पे है, तो संडीला लिखा है। और संडीला पक्षी विहार कहाँ पे है, हरदोई में। दोनों चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, तो बंथरा में है, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, बंथरा उन्नाव में है। और एपरल पार्क कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में है। मेगा फूड पार्क कहाँ पे है, तो बड़े बहेड़ी बरेली में है। साइबर सिटी कहाँ पे है, तो कानपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, तो इंडिया नोएडा में है। और लिखा लाइन सफारी के लिए आपको जाना पड़ेगा इटावा,
लाइन सफारी के लिए आपको इटावा और नाइट सफारी के लिए ग्रेटर नोएडा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कुमुदी विकास पार्क कहाँ पे है, तो कानपुर में है। और लिखा जैव विविधिकी पार्क कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कभी पूछ ले तो लखनऊ में है। अगर जो आप मेरे दोस्त फिर से दे सारे दोस्त ही हैं, सब बिल्कुल भाई दोस्त जो भी आप हैं, आप हमसे बड़े देख रहे हैं तो आप सम्मानीय हैं, हमारी गलती को बता सकते हैं। और छोटे भी देख रहे हैं तो भी ये भी आपका भी हक है, कोई गलत हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैव विविधिकी पार्क कभी, बायोटेक्नोलॉजी कभी पार्क कभी पूछ ले तो टेढ़ी पुलिया के पास में इंजीनियरिंग कॉलेज से थोड़ा सा आगे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अभी जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी एक लखनऊ की होगी, जहाँ पर मेन मेन चीजों की आपकी पिक में मिल जाएगी और उसका जो सीरीज ब्लॉग होगा वो लखनऊ सीरीज के नाम से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जगह जहाँ आपको मिल जाएंगे। लिखा थीम पार्क आगरा में, मेडी सिटी लिखा है, चंगजरिया, क्या लिखा है, चक गंजरिया लखनऊ में है। वेव सिटी गाजियाबाद में, टॉय सिटी मतलब खिलौने के लिए फेमस कौन सा है, तो ग्रेटर नोएडा। एग्रो पार्क बाराबंकी वाराणसी। बौद्ध थीम पार्क कहाँ पे है, सारनाथ में है। और सोलर सिटी कार्यक्रम जो कहाँ पे है, तो आगरा प्रयागराज मुरादाबाद। और लिखा परफ्यूम सिटी, लास्ट क्या आ गया भैया कि परफ्यूम सिटी कहाँ पे है, तो कन्नौज में है। और श्री फिर से श्री राज नाने क्या आ जाता था, अब फ्रेंड्स ये जो है जनगणना है हमारे सामने, 2011 की जनगणना है, तो मैन मैन उसमें बातें कितनी हैं, तो हम इनकी बातें शायद ऊपर कर चुके हैं, तो आप इनको जो नहीं देखे हैं वो आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। लिखा है कि वृद्धि कितनी हुई है, तो 2001 से और 2011 में जो है 20.2020 आप याद कर सकते हैं। और कुल भारत में जो है 17.7 है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 8.29 है। साक्षरता दर ठीक है, अब ये जो है क्लास है इनकी बात कर ही चुके, नगर में कितने पढ़े लिखे हैं और जो है शहर में कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये सब जो है मृत्यु दर है, जन्म दर है, कुल ग्रामीण है, फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भी कीजिए, नहीं लग रही है तब भी आप कीजिए, कमेंट करने से जो है हमको कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशन बढ़ेगा। और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए फ्रेंडों से, और आप जितना सहयोग हमारा करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उतना ही अच्छा बेटर करने के लिए आपकी कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी को होली की जो बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ में आज क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखने के लिए बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स।